उदाहरण दो। एक वृत्त के अंतर्गत समपंचभुज खींचा गया है। समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगी? हल। समपंचभुज की पांचों भुजा पांचों भुजाएं बराबर होती है। अतः वे वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अतः माना समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर x अंश का कोण बनाती है। अतः पांच x अंश बराबर 360 अंश होगा, क्योंकि वृत्त पर यहाँ पे पांच कोण बन रहे हैं और वृत्त में वृत्त का कोण जो है 360 अंश बनता है। तो x अंश बराबर पांच का हम पक्षांतर करेंगे तो 360 अंश बटा पांच, इसीलिए x अंश बराबर 72। 360 अंश को पांच से भाग करेंगे तो 72 अंश प्राप्त होगा, तो x अंश बराबर 72 अंश यह प्राप्त हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें। एक वृत्त के अंतर्गत समबहुभुज खींचा गया है। समबहुभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।